संस्कृति और हिंदू धर्म में श्रावण माह का एक अलग ही महत्व होता है। इस महत्व को ध्यान में रखते हुए रोकड़ी ज्वेलर्स ने भाई बहनों के अटूट रिश्ते को लेकर एक फेस्टिवल मनाने का संकल्प लिया है। दरअसल इन त्योहारों को मनाने का आनंद और तरीका भी अलग होता है। इन सभी त्योहारों को शहर के प्रसिद्ध रोकड़े ज्वेलर्स अपने ग्राहकों के साथ मिलकर मना रही हैं। इस साल भी रोकड़े ज्वेलर्स ने त्योहारों को अपने ग्राहकों के साथ ही साथ उसी रीति रिवाज के साथ मनाने का संकल्प लिया है। अपने भारत देश में सभी प्रकार के लोग रहते हैं। सभी लोगों के रीति रिवाज अलग अलग होते हैं, मगर सभी के लिए महत्वपूर्ण कोई महीना है तो वह है श्रावण महीना। इस महीने में सभी त्योहारों की मेजबानी होती है। इस थाली में भाई बहन के लिए रक्षाबंधन होता है। महिलाओं के लिए तीज और मंगला गौरी महालक्ष्मी होती है। छोटे से लेकर बड़ों तक गणेश उत्सव सबसे बड़ा त्योहार होता है और इन सभी त्योहारों को मनाते हुए बड़ा ही आनंद आता है। मगर इन सभी त्योहारों को मनाने के तरीके अपनी संस्कृति में अलग अलग होते हैं, जो सभी लोग अपने अपने घरों में मनाते हैं। मगर इसे मनाते हुए अगर आपको किसी का साथ मिले जिससे आपका परिवार खुश हो, जी हाँ, इन सभी त्योहारों को और सुनहरा बनाने के लिए एकमात्र स्थान रोकड़े ज्वेलर्स हमेशा ही अपनी संस्कृति को सजोए रखने का काम करते आ रही हैं। उनका एक कहना है कि ग्राहक की संतुष्टि ही हमारा पहला काम है और इसी के लिए वे हैप्पी कस्टमर जैसी योजना चलाते हैं। इसी के साथ रोकड़े ज्वेलर्स सभी त्योहार अपने ग्राहकों के साथ मनाते आ रही हैं। इस साल भी रोकड़े ज्वेलर्स पूरी तरीके से तैयार है। सबसे पहले आज रक्षाबंधन की मैं ढेर सारी बधाइयाँ देना चाहूँगी सभी भाई बहनों को इस अटूट प्यारे और स्वर्णिम बंधन को और मजबूत बनाने के लिए। सभी की ढेर सारी शुभकामनाएँ और बधाइयाँ। जैसे आपने मुझे पूछा कि श्रावण महीना, वैसे भी हमारी भारतीय संस्कृति और हमारे हिंदू धर्म में हर महीने को बहुत ही बखूबी सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है और हर महीने का, हर त्यौहार का और उससे संबंधित हर वस्तु का, हर चीज़ का, फिर वो फल फूल हो या कोई चीज़ हो, सबका अपना अलग अलग महत्व होता है। तो जैसे बात आती है रोकड़े ज्वेलर्स की, तो फिर ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हर त्यौहार को, हर महीने को, हर सेलिब्रेशन को, फिर वो चाहे श्रावण महीना से रिलेटेड हो या श्रावण महीना से लेके दिवाली तक होने वाले सारे सेलिब्रेशंस हो, उन सभी को ध्यान में रखते हुए हमने अलग अलग कार्यक्रमों के आयोजन किए यहाँ पर। सबसे पहले जैसे आपको पता है कि 1 अगस्त से 16 अगस्त तक हमारा जो एनुअल महोत्सव है, पायल महोत्सव, वो शुरू है और इसके कुछ ही दिन बाकी है। तो सबसे पहले तो मैं इसके लिए फिर से अपील करना चाहूँगी हमारी सब प्यारी बहनों से, हमारे कस्टमर से, कि अभी भी आपके पास एक मौका है। 16 तारीख तक चलने वाला यह महोत्सव, जिसमें कि हमने बहुत ही सुंदर लकी ड्रॉ का भी आयोजन किया है और जिसमें बहुत ही खूबसूरत पायल डिस्प्ले में, जैसे कि आप देख रहे हैं, रखी हुई है, वो लकी विजेता को मिलेगी। तो जैसे आपने कहा कि महिला, स्पेशली महिला वर्ग जो होता है, वो हमारे त्यौहार सेलिब्रेशन का एक अटूट भाग होते हैं और सेलिब्रेशन के साथ साथ ज्वेलरी पार्ट जब आता है तो वो भी उनका वीक पॉइंट होता है। तो ना सिर्फ हमने ज्वेलरी को, हमने सभी त्योहारों को, सभी, जैसे अपन मन तो कि आप ले जो सन अस्तात, उन सब को ध्यान में रखते हुए हर एक छोटी से बड़ी चीज़, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि अभी गणेश उत्सव आएगा, जन्माष्टमी आएगी, महालक्ष्मी आएगी, तो ये पूरा महीना हमारा सेलिब्रेशन चल रहा है और तीज, हरियाली तीज बोल सकते, तीजड़ी बोल सकते, तो अलग अलग महिला समूहों के साथ हमने इनके आयोजन किए, जैसे कि आप हमारे सभी वीडियोज़ में देख पा रहे हैं। और हर एक चीज़ जो कि हमारी सहेलियों को, हमारी महिलाओं को पसंद है, उनके त्यौहार के अनुरूप यहाँ पर हमने उपलब्ध करवाई है। समय समय पर आयोजन होते हैं, जिन आयोजनों में हम उन्हें सहभागी करते हैं और साथ में ही अपील भी करते हैं कि वे आगे भी कुछ आयोजन अपनी तरफ से करना चाहती है, तो हमें हमारे ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर जो कि हमारे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उस पर आप हमसे संपर्क करें। और बेहद खूबसूरत माहौल होता है इस श्रावण महीने का और उसे बहुत भी खूबसूरत बनाने के लिए हमारी सभी महिलाओं ने हमें बढ़ चढ़कर प्रोत्साहित किया और हमारा साथ दिया और हमने यहाँ पे अलग अलग आयोजन किए। हमने यहाँ पर तीज का आयोजन किया, मंगला गौर का आयोजन किया, तीजड़ी का आयोजन किया और जन्माष्टमी आने ही वाली है तो हमने कृष्ण पर आधारित जन्माष्टमी पर बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें कृष्ण तो एक है लेकिन कृष्ण के जीवन में अटूट संबंध निभाने वाली, अटूट जो रिश्ते रहे हैं, कुछ फीमेल कैरेक्टर्स बोलूँगी, जैसे माता यशोदा हो गई,
राधा, मीरा, सत्य महामार, रुक्मिणी, द्रौपदी, इनफैक्ट मतलब इन सब महिलाओं ने जो कि एक बहुत ही कृष्ण के जीवन को हम याद करते हैं, जब भी कृष्ण के जीवन को याद करते हैं तो इन महिलाओं को साथ में याद करते हैं, वो सब हमने एक प्रस्तुति यहाँ पर दी, हमने वो चित्रित किया, हमने विजुअलाइज करवाया। तो बहुत ही खूबसूरत एक कंसेप्ट हमारा होता है, हमारी सहेलियों का होता है, हमारे महिला मंडल होता है जो कि उतनी ही एनर्जी के साथ यहाँ पर आते हैं। और फिर जैसे रोकड़े ज्वेलर्स की बात होती है तो जेवर गहने होते ही है, सेलिब्रेशंस होते ही है, महोत्सव होते ही है, और ये सब चीज़ें हुई तो पुरस्कारों की बात होती है। इसीलिए मैं फिर से याद दिलाना चाहूँगी कि पायल महोत्सव जो कि 1 अगस्त से 16 अगस्त तक चल रहा था, उस पायल महोत्सव का समारोह 16 अगस्त को होगा और उसका लकी ड्रॉ 22 अगस्त को यहाँ पे सभी मान्यवरों की उपस्थिति में आप सभी के सामने होगा। तो लकी विजेताओं के पुरस्कार आप जैसे कि देख रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरत है, और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, उसके लिए मैं आह्वान करूंगी कि हमारे आने वाले और भी आयोजन हैं, आने वाले और भी कुछ उपहार योजनाएं हैं जिसका हम समय समय पर अनाउंसमेंट करेंगे। और उसके लिए आप सभी से अनुरोध है कि आप रोकड़े ज्वेलर्स आते रहिए, आपके आतिथ्य में हम आपके स्वागत में हम खड़े हैं, और NVCN न्यूज़ चैनल देखते रहिए हमारे आगे के अपडेट्स के लिए। धन्यवाद। इस साल भी रोकड़े ज्वेलर्स पूरी तरीके से तैयार है सभी त्यौहार अपने ग्राहकों के साथ मनाने के लिए। रोकड़े ज्वेलर्स ने महिला ग्राहकों के लिए पायल महोत्सव का आयोजन किया है जो 16 अगस्त तक चलेगा, जिसमें लकी ड्रॉ भी 22 अगस्त को निकाला जाएगा। जिन महिलाओं को इन लकी ड्रॉ में अपना नाम शामिल करना हो, उन्होंने 16 अगस्त तक रोकड़े ज्वेलर्स की इतवारी बड़कस चौक या लक्ष्मी नगर चौक के शोरूम में भेंट दी। रोकड़े ज्वेलर्स में हमेशा ही सभी त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। इस साल भी विविध त्योहारों के लिए विविध योजनाएं रखी गई हैं। NVCN न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन सुभाष पुटले के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।